अजमेर में किशनगढ़ पीएचडी कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी टीम ने एईएन सुरेंद्र कुमार और सहायक अभियंता नवरत्न सोलंकी को 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित ठेकेदार मंगल ने किशनगढ़ में आजाद नगर से चमड़ाघर तक पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य किया था, जो 2018 में पूरा हो गया था। कार्य भुगतान के बिल को पास कराने के लिए पीएचईडी कार्यालय में एनओसी की आवश्यकता थी। एनओसी जारी करने के एवज में एईएन सुरेंद्र कुमार पूर्व में 1 लाख रुपए की रिश्वत भी ले चुका था। वहीं घूसखोर सुरेंद्र ने बुधवार को एनओसी पर हस्ताक्षर कर ठेकेदार को कागज सौंपे और ठेकेदार से घूस की दूसरी किस्त 1 लाख रुपए कार्यालय में तैनात नवरत्न सोलंकी को सौंपी, जहां मौके पर तैनात एसीबी की टीम ने दोनों को धर दबोचा। अचानक हुई इस कार्रवाई से कार्यालय में एक बार हड़कंप मच गया। फिलहाल एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है।